वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 फरवरी 1994 को साय लगभग 5 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्तम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलाभूषितवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायमेतात् कथा की रतन कल विषय भवसागर की नाव। भगवान की कथा है, ये संसार से उद्धार करने लिए बड़ी नौका है। इस नाव में बैठकर अनायास ही हम पार हो सकते हैं। ऐसी कथा भगवान की कृपा से मिलती है, अपने उद्योग से पुरुषार्थ से नहीं, धन संपत्ति वैभव से नहीं,
राज्य संपत्ति आदि उससे भी नहीं, कोई ऐसा बल नहीं जिससे ऐसी प्राप्ति कर ले। भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिलता है। जैसे 84 लाख जोनी में ये एक मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी अच्छा सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है। हम लोगों को ये मिला है तो भगवान की बड़ी कृपा है। राज से बड़े प्रेम से, आराम से, आदर से सुने और उसमें आई हुई शिक्षा को अपन पालन करें। कथाएं होती है उनमें शिक्षा की बातें होती है, आचरण में लाने की बातें होती है, वो एक विवेचन अलग होता है, और भगवान की लीलाओं का कथन होता है ये एक अलग होता है। ये दो भाग है। भगवान के लिए सोने के सब अधिकारी है, वो कैसा ही क्यों हो, समझता हो, बेसमझ हो, पढ़ा लिखा हो, न पढ़ा लिखा हो, सबके लिए कल्याण करने वाली भगवान की कथा होती है। और पारमार्थिक विवेचन होता है, उस विवेचन के अधिकारी विशेष साधक होते हैं। वे साधना करना चाहते हैं और चाहते हैं साधन करना, उनके लिए वो बड़ी काम की चीज होती है। सबके लिए काम की है, परंतु सब उसके पात्र नहीं होते हैं, समझ नहीं सकते हैं सभी, और उन समझने की इच्छा भी सबके भीतर नहीं होती। सबकी इच्छा हो जाए तो सब समझ ले। एक विलक्षण बात है, भगवान ने मानव शरीर को श्रेष्ठ समझ लेके दिया है, तो इसमें इसके उद्धार करने की योग्यता भी भगवान ने दी है, वो विवेक भी सबके भीतर है। ये उसका उपयोग करे तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाले सब जीव परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, सभी सभी परमात्मा की तरफ चल सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान की स्मृति है वो सबसे श्रेष्ठ है। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। तो भगवान को याद करना तो सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, भगवान के सब समय मेरा स्मरण कर। उस समय की महिमा करते हुए भगवान ने गीता में कहा, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्यशः, अनन्य चेता होकर और जो मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो भगवान के स्मरण करने से भगवान सुलभ हो जाते हैं, भगवान सुलभ हो जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा पुरुष दुर्लभ होते हैं। वासुदेव सर्वविधि स महात्मा सुदुर्लभा और तस्य हम सुलभा। तो स्मरण से भगवान की सुलभता हो जाती है, वो स्मरण संत सत्संग से मिलता है, वो भक्ति होती है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति होती है, तो भगवान का स्मरण होता है। हरेक बात का स्मरण कब होता है आप ध्यान दें। एक आपको धन मिल जाए अचानक, 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए मिल जाए तो उसकी याद आती, एकदम मिल गए तो उसकी मीठी मीठी याद आती। अपने अनुकूल भोग पदार्थ मिल जाए तो उसकी बड़ी मीठी मीठी याद आती है स्वतः। और अपना एक में मन लग जाए किसी में ही तो उसकी याद आती है। तो अपनापन होने से मन लगता है और भगवान की याद आती है। तो संसार में पदार्थों में और सुख में दो में मन लगता है, एक दो पदार्थ संग्रह करने में और एक सुख भोगने में। इस बात के कनक कामिनी दो बताया है, इन दो में मन लगता है। गीता ने कहा भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसन्नता, एक भोगों में और एक ऐश्वर्य में संग्रह करने में, इन दो में मन लगता है। और भोगों में भोगों के भोगने में और पदार्थों को रुपयों को संग्रह करने में आसक्ति जिनकी नहीं होती है वे परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो प्राय करके मनुष्यों ने में ये दो बड़ी भारी बाधा है।
एक तो रुपया संग्रह करने की इच्छा, साधारण से साधारण आदमी के भीतर भी ये इच्छा होती है, और बड़ों के बड़े धनी आदमी लाखों करोड़ों रुपया अरबों जिनके पास रुपया होता है वो भी रुपया संग्रह करने की इच्छा करता है, रुपया और हो जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, इसका पार नहीं आता है। कितने ही रुपये हो जाए तो ये यदि रुपयों की तृष्णा मिट जाए पूरी हो जाए, पूरी होने वाले है नहीं है। ऐसे ही भोग कितने ही मिल जाए तो उनकी भोग इच्छा भी पूरी होने वाला नहीं है। कथा भागवत में आती है, बूढ़े हो गए नहीं बेटे से जवानी नहीं है भोग भोग लू, तो भोगों की इच्छा भी पूरी होने वाली नहीं है। ये दो बड़ी भारी बीमारी है। इस दो बीमारी के लिए संतों ने दो उपाय बताए। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण की रचना की, रामायण रच करके अंत में कामे नारी प्यारे जिमे लोभे प्रिय जिमे दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, वे अंतिम दुआ है रामायण का अग्नि। वे तो है कि कामे नारी प्यारी, जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है और लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते हैं, ऐसे रघुनाथ और राम मेरे को प्यारे लगे। इसमें क्या बताया कि लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, कामी को कामनी प्यारी लगती है। तो काम है नारी प्यारी जी, तो स्त्री और धन दोनों सबको प्यारे नहीं लगते। भोगों की कामना वाले को कामना अच्छी लगती है और लोभी को धन अच्छा लगता है। तो ये दो चीज है, दो चीज में भोगों में एक तो एक संग्रह करने में प्राय मनुष्य लिप्त हुए हुए हैं। आप भी अपनी दृष्टि से देखें तो ये मिलेगी भीतर में प्राय मिलेगी चीज, तो रुपया इकट्ठे हो जाए, धन संपत्ति वैभव हो जाए और सुख भोगे, ये दो इच्छाएं खास रहती है। और ये इच्छाएं जिसके बीच प्रबल होती है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। गीता में 44वें श्लोक में ये दूसरे अध्याय में कहा, प्राप्ति करना दूर रहा, परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते। अब इस तरह भी चलता है ये निश्चय नहीं कर सकते। भोगों को भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए इच्छा होती है, ये लालसा होती है भीतर, रुपया मिल जाए बड़ी भारी लालसा होती है, ऐसे सुख मिल जाए भोग मिल जाए इसकी बड़ी इच्छा होती है। तो दो इच्छा को दूर करने के लिए क्या कहा, कामे नारे प्यारे जिम और लोभी है प्रिय जिमी दाम, दो नाम लिए ये जिमे जिमे मन, जैसे जैसे कामी को स्त्री प्यारी, स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है और लोभी को जैसे दाम प्यारे लगते हैं, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, रघुनाथ और राम मेरे को प्यारे लगे। तो रघुनाथ का अर्थ क्या हुआ, रघुनाथ का अर्थ हुआ भगवान का स्वरूप, और प्रिय लागे मोहि राम का अर्थ हुआ नाम। तो स्वरूप भगवान का प्यारा लगे, तो संसार का जो स्वरूप लगता है ये खाना पूर्ति किससे करेगा, भगवान का स्वरूप प्यारा लगे। और जैसे धन का संग्रह प्यारा लगा है ऐसा लोभ नाम जप में लग जावे, राम 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 एकदम। दादू जैसा नाम था तैसा लेना ना है, देह हलावा हो रहा हूस रही मनमाए। दादू जी महाराज कहते हैं जैसा नाम था तैसा ले लिया, कितना कीमती नाम है, इसकी कोई कीमत नहीं है। गोस्वामी जी महाराज भगवान राम जी के अनन्य भक्त हैं, सबसे बढ़कर भगवान राम जी को मानते हैं। वे भी बड़ी एक आश्चर्य की बात कहते हैं, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, रामन सकहिं नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक करूं, हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम
नाम की महिमा कह नहीं सकते। असमर्थ है अपने इष्ट असमर्थ बता देना मामूली बात है। रामन सकई नाम गुण गाई, तो नाम की कितनी महिमा है। राम जी भी नाम की महिमा गाने में असमर्थ है, दूसरा क्या कहेगा। तो अनंत महिमा नाम की, जिसका कोई परिवार नहीं है। तो वो नाम किस जगह प्यारा लगे कि धन की जगह। जैसे धन संग्रह की इच्छा होती है, जैसे राम 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 ऐसी भजन की होती है, वो भजन तो नाम अंत में एक नाम आ जाए तो कल्याण हो जाए। एक श्लोक याद आ गया, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन मुक्ति माप्नोति, और दूसरे से संपूर्णी संपूर्णी भवेत। भगवान शंकर महादेव 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 तीन बार कह दे तो एक नाम से तो मुक्ति हो जाती है। द्वाभ्याम संपूर्णी, दो भगवान के ऋण रहता है, शंकर के मेरे पर ऋण रह गया, उतार नहीं सकता। तो मुक्ति तो एक नाम से हो जाए। भगवान नाम कौमुदी एक पुस्तक है, उसमें बड़े शास्त्रार्थ लिखा है। एक नाम से हो जाए, कैसे हो जाए कि एक नाम वो अनन्य भाव होता है। उसमें ऐसी बात है कि जैसे गजेंद्र ने जब लग गज अपनो बल भरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल वैर बल राम पुगया, निर्बल हुआ अपने बल से, बिल्कुल निराश हो गया, तो भगवान का नाम लिया तो आयो आधे नाम। हे नाथ आ गए, वो तो आधे नाम से भगवान आ गए। पर तो आधे नाम कैसा था, अनन्य भाव से था और किसी की आशा नहीं। हाथी है, हथनिया है, हाथियों के बच्चे हैं, वे सब हजार वर्ष तक युद्ध करते रहे, कोई बचा नहीं सका। और ग्राह ने पकड़ लिया, नीचे ले जाने गया पानी में। अब पानी में ले जाने गया तो हाथी का वो सूंड होती है, नाक है हाथी का, नाक नाक में पानी भर जाए तो मर जाएगा आदमी। तो वो नाक नाक बाल लिया थोड़ा सा, और वहां समुद्र में से एक कमल ले गया, उसके सांबुज करम के साथ नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, वो पुष्प लेकर भगवान ने नाम लिया। सब तरफ से निराश हो गया, वो एक आज न भगवान आ जाए। बाधा क्या है, ये जो धन संग्रह करना भोग भोगना ये इच्छा बाधा है, अनन्य भाव हो गया। अब वो तो जी भी नहीं सकता, अब तो जीने भी नहीं हुआ, अब ये सूंड में पानी गया मरा। और बताने की किसी की सामर्थ्य नहीं, और उसके मन में किसी पर भी भरोसा नहीं कि किसी तरह को बचा सके। ऐसे अनन्य भाव से नाम लिया तो एक नाम तो करोड़ों उद्धार कर दे, दुनिया का उद्धार कर दे एक नाम। उसमें अपार अनंत शक्ति है। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान के नाम में संपूर्ण शक्तियां नाम में भगवान ने रख दी। कलयुग आ रहा है ना सामने, तो कलयुग में जीव यज्ञ याग आदि विधि विधान से जीव आदि नहीं कर सकते, जानते नहीं, बहुत ज्ञान ही नहीं, पता ही नहीं है, और ठीक तरह से पालन करना बड़ा कठिन है। तो नाम दे पावे लोग, नाम मात्र से कल्याण हो जाए। तो नाम नाम आकार बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी शक्ति सबकी सब नाम में रख दी। अब भगवान ने सब शक्ति नाम में रख दी, नाम की महिमा कितनी हुई, अपार नाम की महिमा है। तो वो नाम जपे तो ऐसा नाम आता है आर्थ भाव से। और वो कब आता है कि कर दो, करते 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 आ जाता है वो नाम। जब हरदम करते रहो, आपने देखा है ना, मोटर चलती है तो मोटर के सामने चाबी लगाते हैं, हैंडल घुमाते ही हूँ, वो जब पंखा चलता है तो खट चल पड़ता है। 20 लगा दिया, 20 नहीं चली, 21 में खट चला। इस तरह से भगवान के नाम लेते लेते वो नाम आता है, पट हो जाता है उसी क्षण। पर इसी में आता है वो, इस लेने में ही आता है। लेते लेते एक बात मिलती, खट खट मिल जाती, पंखा चल पड़ता है, मोटर चल पड़ती है। तो इस वजह से नाम जब हरदम करता ना चाहिए, सस्वा सर्वेश सब समय में निरंतर नाम बैठते उठते जगते सोते,
सोते हैं जब तो खाते पीते भी भगवान का नाम को, तो नाम कहने से कल्याण हो जाता है। तो नाम कल्याण हो जाए एक से, परंतु जब नाम में रस आने लगता है, नाम लेने लगता है ना, तो उसमें इतना लोभ लगता है कि उसको छूटता ही नहीं, रात में नहीं छोड़ता, दिन में नहीं छूटता, नींद नहीं आती है। ऐसी बीती हुई मैंने को मिले है साधु कोई कोई, नींद नहीं आती। राम नाम राम 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 राम, सात सात आठ आठ घंटा सोने वाले हमारे साथ पार्टी थे, बहुत सोते थे। नाम में लगन लगी तो कहते थे दो घंटा सोता हूँ, नींद आती नहीं, नींद आती नहीं, नाम छूटता नहीं है। उस लगने वो डरते जाए, जैसे धन इकट्ठा करने वाला पूछा जाए तुम्हारे पीढ़ियों तक कुटुम्ब खावे जितना धन है फिर क्यों कमाते हो। मैंने पूछा एक को धनी को, क्यों कमाते हो, इसका हमारे पास उत्तर नहीं है। पीढ़ियां तक खावे जितना तुम्हारे पास धन है, रोटी को कमी नहीं है, फिर हमारे पास उत्तर नहीं लगा कि कमाओ 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 कमाओ। तो याद है नाम से कल्याण हो जाए, अब इतना नाम कभी लगा नहीं है, रस लग जाए तो फिर छूट जाए, हाथ की बात नहीं है। तो गोस्वामी महाराज वो प्रार्थना करते हैं अंत में, कामे नार प्यारी जी में, इसमें तो रघुनाथ, कामे नार प्यारी जी में लोभ है प्रिय जी में दाम, तिमे रघुनाथ स्वरूप के लिए और प्रिय लागो मोहि राम, राम कर नाम प्यारा लगे, रघुनाथ में भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, मीठा लगे, खिंचाव हो जाए, आकर्षण हो जाए। तो कह दो की जगह जैसे भोग और संग्रह अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे नहीं, साथ में एक विलक्षण शब्द दिया हो, काम है नारी प्यारी जिम लोभिय प्रिय जिमिदाम तिम रघुनाथ निरंतर, निरंतर पद या निरंतर ना लगेगा यहाँ। अभी इंक्वायरी आ जाए घर पर, घर में धन हो तो मन करता है घर में धन नहीं होता तो अच्छा है, नहीं होता तो अच्छा था, ये सब झूठ लेंगे। तो ऐसे नहीं होता, ये वृत्ति होती है ऐसे भोगों में भी, अब नहीं है वो नहीं, नहीं नहीं करता हो तो ये नहीं हो जाए कहीं, इस बात से निरंतर शक्ति का इतनी गलती है उसमें। कामे नारी प्यारी जी में लोभ है प्रिय जी में दाम तिमे रघुनाथ राम निरंतर लगे पैरे हो, अंतर न पड़े, कमी है क्यों, कमी है कि जड़ है ये, अब चेतन है वो परमात्मा, चेतन परमात्मा का सचिव, तो उसके निरंतर ऐसा नाम लगे हमारे को, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, तो रघुनाथ जी भी प्यारा लगे, नाम भी प्यारा लगे। अब नाम से कितना कर क्या करू, नाम है तो अनंत शक्ति नाम में है, वो नाम एक लेने से कल्याण हो जाए, तो भाई एक लेने से हो जाए मिल जाए तो अभी कहा जा एक हीरा होता है लाख लाख तीन तीन लाख का रुपयों का एक हीरा, और कोई देखे तो तुम्हारी मर्जी उतना लो, तो पोटली इतनी बड़ी बांध है कि जो उठेगी नहीं अपने सीधी बांध लेगा। कहा जा रही एक हीरा जैसे काफी है कि ऐसा हीरा छोड़ा के ले जाए, इतनी साखे पूरा का पूरा ले लो, मुझे गांठ बन जाए कोई उठा देता, ऐसी बात, ऐसी बात है। तो जो नाम की महिमा समझता है ना, उसे नाम छूटता नहीं। ऐसे संतों के द्वारा दुनिया का कल्याण होता है, आधे नाम से कल्याण हो जाए तो क्या है, वे जो संत नाम जपने वाले हैं उनके यादगार से, दर्श से, स्पर्श से, भाषण से, ये संस्मरण सूत्र सब्ज शुद्धि क्रिया, जिन संत महात्माओं के स्मरण करने से, ये संस्मरणार्थ सूत्र सोनल जी कहते हैं तो सद्य शुद्धि क्रिया, गृहा कहते हैं ये घर नहीं, जिस जगह बैठ करके वो भगवान का नाम ले तो भगवान पास पास में घर के घर बहुत से मूल पवित्र हो जाता है। सद्य शुद्धि वही गृहा किन पुनर्दर्शन स्पर्श, उनका दर्शन स्पर्श और भाषण, पाद शोचन पैर धोले कर ले उनके, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोच आसन आदि भी, इनसे कल्याण होता नहीं क्या है, इसके याद करने से घर के घर मूल के मूल पवित्र हो जाए। तो ऐसा भगवान का नाम मेरे को प्यारा लगे, तो ये भगवान से प्रार्थना करो ऐसा प्यारा लगे नाम, जैसे धनी को
कामी लोभी को धन प्यारा लगता है, कामी को जैसे भोग प्यारे लगते हैं। ऐसा प्रिय लाग रहा हूँ वो ही राम, तो राम कितना संख्या कितनी करनी कितनी थी आस्ते जैसी बात है, फिर संख्या का अंत नहीं रहता है। हमारे तो अकल में नहीं आई थी बात, जिनके नाम से भी बात कहता हूँ, 12-13 लाख एक दिन में नाम, घंटा 24 होता है, डायरी में लेकर मैंने कहता 13 लाख एक दिन में, 3 लाख कठिन होते हैं, 3 लाख नाम जब नहीं भक्त नहीं मिलता है, 3 लाख नाम नहीं भी, जैसे इतना इतना नाम जब हो जाए। मेरी शंका रही, विश्वास था कि दूर तो बोले हमारी मित्रता थी, अरे वो कहते भी नहीं थे, फिर कैसे हो जाता है, इसका समाधान हुआ हमारे। हाँ, मनीषी की लोक यात्रा एक पुस्तक है, गोपीनाथ कविराज की लिखी हुई। गोपीनाथ कविराज थे, बहुत नामी विद्वान थे, संस्कृत के, अंग्रेजी के, हिंदी के, बंगला के, नामी विद्वान थे वो संस्कृत, जिसमें भी वो है नाना तंत्र शास्त्र है ना, तंत्र शास्त्र बहुत नामी विद्वान थे, तंत्र शास्त्र जानने वाले बहुत कम आदमी होते हैं, गोपीनाथ जी बहुत विशेष जानते थे, इतने बड़े आचार्य थे। तो उनके गान गुरु जी थे विशुद्धानंद जी महाराज, विशुद्धानंद जी महाराज बड़े चमत्कारी महात्मा पुरुष थे, विशुद्धानंद जी, उनका जीवन चरित्र लिखा है गोपीनाथ कविराज ने, तो उनके शरीर से सुगंध आती थी, तो गंध वाला बाबा कहते थे, और उन्होंने ऐसा करके बताया कि भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा निकले, तो उन्होंने 100 ग्राम ने बताया जिसमें कमल हो, ऐसा कमल खिल गया, ब्रह्मा जी तो नहीं पर कमल खिल गया नाभि से निकल करके, विशुद्धानंद जी के उनके शिष्य थे गोपीनाथ जी। तो एक दिन बात ऐसी हुई, गोपीनाथ जी भजन करते उठे तो उन्होंने जागर, महाराज मैं जितनी देर ठहरता हूँ उतनी देर में नाम जपा मरा भेजू, ये लाखों नाम इतनी देर में कैसे आ गए, ये शंका करी। तो विशुद्धानंद जी ने इसका उत्तर दिया, कहा कि जब भगवान में मन लगता है उस समय में ये काल नहीं रहता है, ये जो हमारे घड़े घड़े 2 घड़ी 8 घड़ी 8 पौर होती है, 24 घंटा होती है, ये काल नहीं रहता है, वो कालातीत हो जाता है, वो दिव्य काल होता है, भगवान के साथ जुड़ते ही उसमें दिव्य काल हो जाता है, उसमें थोड़े समय में जब बहुत हो जाता है। इस बात से समाधान हुआ मेरे, जब लगन लगती है भगवान के साथ होता है उस समय मनुष्य मामूली नहीं होता है, भगवान के साथ एक हुआ हुआ, तो उसके साथ एक है, तो संत महात्माओं की जो महिमा आती है उसमें कारण क्या है, कुछ परमात्मा के साथ समझ हो जाता है। ये छोटा सा माइक है इसलिए इतना शोध होता है, तो इसमें एक ताकत है विलक्षण शब्द को प्रकट करने की, ऐसे अनंत शक्तियों के जो केंद्र परमात्मा है उसके साथ एक होते ही अनंत शक्ति जागृत होती है, तो काल का मान विलक्षण हो जाता है, थोड़े काल में इतना हो जाता है, तो तुम्हें समझाने में बात ठीक है, वो तो लगन लग गई उसमें लग जाता है, उस समय विलक्षणता आ जाती है। तो किसके साथ विलक्षण, जैसे बिजली के साथ संबंध होने से इसी आए, अगर बिजली का तार काट दिया जाए तो क्या ये इतनी आवाज दे सकता है, नहीं दे सकता, बहुत बढ़िया होने पर क्या हो, तो इतनी शक्ति उस परमात्मा में, तो नाम जपते हुए जब उसकी तल्लीनता होती है उसमें ऐसी विलक्षणता आ जाती है, ऐसे ध्यान करने में हो जाता है, पाठ करने में हो जाता है, किसी तरह से ही भगवान में संबंध जुड़ जाए तो बिजली का करंट आविष्ट से विलक्षणता आ जाती है, संतों के दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से, चिंतन से, याद करने मात्र से विलक्षण आ जाए आदमी में, क्यों आ जाए, क्योंकि भगवान के साथ संबंध जुड़ा हुआ, वो संबंध एक होते ही वह सबकी शक्ति उधर आ जाती है। तो सच्चे हृदय से जो मनुष्य में लगता है भगवान में उस समय में उसकी उसमें विलक्षणता आ जाती, अलौकिकता आ जाती। तो ये काम है नारे प्या गौरा में जी मांगते हैं, काम है नारे प्यारे जी में लोभ है प्रिय जी में दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, ये मांगना है भगवान से कि हे नाथ ऐसे आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो,
प्यारे लगने में जो सुख है, आनंद है, वो ज्ञान में नहीं है। तत्व ज्ञान में वो नहीं है। तत्व ज्ञान से इसमें विलक्षणता है, प्रेम में अलौकिकता है। ज्ञान में अखंड आनंद है, शांत आनंद है, इसमें अनंत आनंद, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम का जहाँ लक्षण लिया है नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में, तो उसमें प्रतिक्षण वर्धमानम है आनंद। प्रतिक्षण वर्धमान आनंद प्रेम में, ज्ञान में नहीं है। ऐसी प्रतिक्षण बात है, जब ज्यादा समय हो जाएगा अब जैसे ई समाप्त करते महाराज का विराम यही होगा, तो यही विराम करते है। थोड़ा कीर्तन सुना रहे भाई।